स्वागत है आप सभी का आज के व्लॉग में। आज है 24 अप्रैल और आज भी फ्रेक्चर नहीं खाया। आज है मम्मी का बर्थडे तो लाना जल्दी से खाऊंगा, इसको हमेशा खाने का पड़ा रहता है। देखिए अभी बज रहे हैं 12:30 से भी ऊपर और मैं अभी तक नहाया धोया नहीं हूँ। सनी ये लो पकड़ो व्लॉग। अच्छा। मैं नहा के आता हूँ 2 मिनट बस। 2 मिनट में साबुन तो लगा ले, वो भी नहीं लगाएगा। दीदी हेलो मम्मी, कर वाला खीर दोबारा बना दो, कुछ खाने का मन अगर मीठा। हाँ हाँ जरूर बनाऊंगी मम्मी। आज आपका बर्थडे है ना, तो आज व्हाइट वाला मैक्रोनी बना दीजिए। तेरे बर्थडे में ना तेरा मन पसंद बनेगा बेटा। सनी एक और क्या डाल दो। सनी मैं तो बोल रहा हूँ दीदी एक 5-star भी डाल दे, थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा उसका। ये मिर्ची देना बड़ा वाला, तुम दोनों का। फिर मैं ये लूंगा। मैं नहा के लौट चुका हूँ और यहाँ पे देखिए मेरा व्लॉग चल रहा है और मम्मी खीरा काट रही है हमारे लिए, सब बैठ के खा रहे हैं। तो मैंने पी लिया अपना मिल्क शेक और मम्मी ने बोला भी थोड़ा चाय बनाने के लिए। हाँ मैं क्या करना बताइए। अच्छा इसमें चाय बनाना है ना, ठीक है। मैंने बचपन में एक दिन बहुत बड़ी गलती की थी, बारिश हो रहा था बहुत तेज, मैंने बोला मम्मी आज मैं चाय बना खिलाता हूँ आपके लिए, और वो दिन याद है। उसके बाद से मम्मी ने आज तक नहीं बनाया चाय, हमेशा मैं बनाता हूँ घर में, तरस भी नहीं आती। चाय पत्ती और चीनी किधर रखा है मुझे नो आइडिया, मेरे को ढूंढने में कम से कम 5-6 मिनट लगेगा। नीचे हाँ काम आसान होने का। ये रहा तो आज मम्मी का बर्थडे, आज मम्मी जो जो बोलेगी वो कर देंगे बिना कुछ बोले, हमेशा वैसे ही करते हैं। 2 मिनट के लिए क्या ब्लॉग देखने गया, कांड हो गया। मैं कम कर दिया था पूरा इसका फ्लेम, तब भी नीचे हो नीचे हो नीचे हो, इसलिए मैं कभी किचन नहीं आता। जब भी दूध उबाले जब भी चाय बनाओ ये होना ही होता है हमेशा। हाँ 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 दीदी काम कर रही है आज घर में, वाह क्या दृश्य है, वाह क्या सीन है, क्या सीन है। मम्मी छन्ना किधर है। चाय वाले थोड़ा मुझे चाय दियो। कैसा लगा चाय? बहुत मीठा मीठा था ना। चाय वाला तो भी बन। तो मम्मी अभी नहा धो के आ गई है और देखिए आज मम्मी ने साड़ी पहना है। मम्मी यूजुअली साड़ी बहुत कम पहनती है लेकिन अच्छे लग रहे हो मम्मी आज। ये मेरी चॉइस है, मैंने मम्मी को बोला था कि पहनने के लिए। देखा मम्मी आप बहुत सुंदर लग रहे हो। सनी हाँ डिफरेंट। मम्मी जल्दी से लॉकडाउन खुलवा दो, मैं डिफरेंट में ले जाऊंगा। भगवान करे डिफरेंट काट लेते रखो। बोले कहाँ गया था रे, हमको बिस्किट नहीं खिलाया था। मुँह महक रहा है जल्दी से ब्रश कर गया भाई। कुछ भी मम्मी पापा को पूरे घर में ढूंढ रही है और पापा म्यूजिक रूम में लेटे हुए थे। नहीं सब बोलते। ये देखो सनी को देखो। पापा एक और राउंड हो जाए चेस। नाम का बात हो गया, आपका जीत नहीं पड़ेगा। हाँ कैसे हार का पता नहीं चला उस रूम में। तो मैं भाई कभी हारा हूँ क्या किसी से? तो पहले खाना पीना खा लेते उसके बाद चेस खेलेंगे, उसके बाद 5-star ही खाएंगे। जो भी हुआ दाना तो आ गया ना मुँह में, असली मजा अब आएगा। नहीं सुनूंगा। मतलब अरे तू बस ये फोटो खिंचाने के लिए हेड वॉश कर रहा है, गंदा हो गया था तो मम्मी क्या की बेसिंग में ही धो दी। मम्मी मम्मी होती है दीदी। आज सुबह क्या हुआ था? मम्मी ने धोखा दिया मुझे, बहुत ज्यादा धोखा दिया। क्या किया ये तो बता। मैं क्या धोखा दी हूँ बता। तो मेन बात ये है कि इसने लेट सोई थी तो ये थोड़ा लेट उठी, तो मम्मी ने क्या बोला चल आधा घंटा और सो जा। मम्मी से मैं रिक्वेस्ट की मम्मी प्लीज मैं आधा घंटा और सो जाऊँ। आधा घंटा से 1 मिनट ज्यादा नहीं, आधा घंटा। मम्मी बोली हाँ ठीक है। मेरे लेटते ही 5 मिनट के बाद मम्मी जो पापा के पास बैठ के मेरी शिकायत करना शुरू कर दी, और मेरे को शर्म आ रही थी पापा के पास जाऊँ पापा मेरे को क्या बोलेंगे। क्या हो गई? पिंपल हो गया इसको। मम्मी इसको धोखा देना कहते हैं। कौन आदमी था वो जिसने कमेंट किया था कि बर्थडे के दिन मम्मी को बैंगन खिलाना? दीदी ने पढ़ा अभी अभी बताया मेरे को, आज मम्मी ने बैंगन अदौरी बना दिया है घर में। बर्थडे के दिन कौन बनाते हैं यार। कोई बात नहीं आज आप जो बनाओगे हम वो खा लेंगे। तो अभी खाना होने वाला है तो हमने सारा आसन बिछा दिया मैंने और सनी ने मिल के। झूठा बस मैं ही क्या हूँ, इसको छूने में एकदम डिफरेंट जैसा। हाँ इसको छूने डिफरेंट का ये याद पूरा करता है। हमारा पहले क्या प्लान था कि हम क्या करेंगे डिफरेंट को रिक्शा में बिठाएंगे और यहाँ ले आएंगे।
तो अभी मुझे कॉल आ चुका है कि केक गेट पे पहुंच चुका है, अब बस कुछ बहाना बना के मुझे नीचे जाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या करेंगे। अभी मुझे शायद दीदी का हेल्प लेना पड़ेगा, तो उसको प्लान में शामिल करता हूँ। दीदी इधर आना, जल्दी जल्दी कैमरा दूर कर। ठीक, केक आ चुका है गेट पे, मेरे को जाके लेके आना है। ठीक है, किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो मेरा मदद करिए, मैं जाके तुरंत लेके आ रहा हूँ गेट पे से। ठीक है, ठीक है, बात संभाल लियो। कैसे, क्या, किसी को पता ना चले, बस अगर कुछ दिक्कत हो तो बात संभाल लियो। सनी यहीं पे रहेगी, यहीं पर रहेगी, पता ना चले किसी को। जो गेट खोलने की आवाज़ होती है तो सनी ने गाना गा दिया, इसको पता ही नहीं चलेगा अभी। जल्दी जल्दी चलते हैं, मैंने मम्मी को शक हो जाएगा कि हनी इतनी देर से कहाँ गायब है, आवाज़ क्यों नहीं आ रहा उसका। तो हमने केक रिसीव कर लिया, अभी जल्दी से चलते हैं घर में। मम्मी को पता ही नहीं चला मम्मी अभी यहाँ से निकली। मैंने पता नहीं लगने दिया, तभी ना नहीं पता चला। गेट ही बंद नहीं। अरे मिस्टर बीन कितना अच्छा दे रहा है, इसको कहीं रख देते हैं अभी छुपा के। यस यस मम्मी, हैप्पी दिवाली। भाई अलग ही मूड में एकदम। अब इसका पैकेट तो फेंक दे। हाँ मजा आएगा, चलो तब तक थोड़ा सा पौधे में पानी दे देते हैं। हैंड्स अप, मैं तुम्हें नहा दूंगा। सुन सर, सनी सुन, अब क्या करते हैं, मम्मी पापा को रूम में बंद कर देते हैं। अच्छा, और सब एकदम सजा लेते हैं, पहले सजाने का है ही नहीं हमारे पास सामान, तो सब कुछ अरेंज कर देते हैं, उसके बाद बुलाएंगे। ठीक, गेट बंद कर देते हैं। ठीक, चलो। यही तो दीदी है ना, सब प्लान पे एकदम चौपट खराब करिए प्लान। वो रूम में चले गए, वो दीदी को बुलाना पड़ेगा। दीदी इधर आना एक सेकेंड। अबे बुला रहे हैं ना तब से। नहीं आने देंगे, अब नहीं आने देंगे। मम्मी अभी अंदर रहो 5 मिनट, ठीक है? दीदी चलो चलो चलो, लेट्स सनी। आई एम नाउ वॉचमैन। हाँ तो वॉचमैन बन कर रहे हैं। यस, पर बेटा कुछ अगर गड़बड़ हुआ तेरे वजह से बहुत मारूंगा। नो सर। सैल्यूट। तो लॉकडाउन में जितना जुगाड़ हो पाया उतना हमने किया कोशिश, और ये रहा केक। केक की दिखने में काफ़ी बढ़िया है। घर का चाकू रखते हैं, तो मम्मी से हल्का सा चाकू से कट करवा देंगे, उसमें चम्मच से सारा दे देंगे। ठीक है, 5 चम्मच है। पनीर में कुछ, तू यहाँ क्यों आ गया? अरे वॉचमैन जा वहाँ पे जा। सनी अपने काम पे बेखूबी डटा हुआ है। बेखूबी बखूबी, सॉरी, सनी अपने काम पे बखूबी डटा हुआ है। बहुत बढ़िया, रेडी, बुला लिया। छोटू बुला लो, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। 1 2 3 गो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी। कब आया ये? स्केल जाओ। ये बता कब लाई है? आ गया ना केक, आ गया, काट दो खा लो। अरे मतलब अभी डिसाइड ही नहीं हो रहा है कि केक काटेगा कौन। मम्मी आपका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अरे नहीं 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 नहीं, बारी बारी से खा ले सब। खा गया रे भाई, कितना भूखा है ये। अबे मम्मी इतना सज के आई थी, क्रीम रीम लगा कर गई थी। हो गया ना, देख ले। क्यों ऐसे किया हनी? रंग दिया मम्मी को। कितना गंदा किया मम्मी। कब आया है सब? अरे हो गया, देखिए बहुत बहुत थैंक यू बॉबी भैया को, जो इतना बढ़िया अरेंज करवा दिया। मम्मी मेरा भी मन कर रहा है, मुझे भी थोड़ा लगा दो। ये झूठा है लेकिन मैं चाटा था। नहीं नहीं नहीं, इसको होली खेल। भाई हां दे, चला इधर सुन, लगा लो लगा लो, पकड़ लो।
बस लगा लो अब पलटे आज तो अब आपका कुर्ता खराब कर कितना बदतमीजी तो जैसा प्लान किया था वैसा एकदम बढ़िया से सब कुछ हो गया और अभी एकदम फोटोशूट चल रहा है इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए फिर अगले साल ही फोटो देख के हम याद करेंगे अरे पिछले साल मम्मी कितनी पतली थी पता चला नहीं आपको कब आया घर में नहीं कुछ नहीं बेल भी नहीं बजा आज तो तुम कैसे एक्टिव थी अरे जब ऋषभ ठाकुर प्लान कर रहा है तो कुछ सोच समझ के करेगा ना प्लान अब आधा घंटा मुंह धोएंगे हम लोग अपना बर्थडे वैसे नॉर्मली खा पी के गुजार देते थे लेकिन पिछले 2-3 सालों से हमारे जितने प्रशंसक है वो बहुत सारा अरेंजमेंट कर देते हैं तो उन सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ हमारे सबके बर्थडेट्स याद करते हैं वो लोग और हमारे लिए केक्स भिजवा देते हैं बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद भाई रुक आने तो दे यार कितना भूखा आदमी है तू डिफरेंट से भी ज्यादा भूखा है तू तो आने दो यार इसको शौक था कि कोई मेरे को केक लगाए अपने हाथ से लगा लिया डिफरेंट तो ऐसे नहीं करता सनी डिफरेंट एंजॉय करता है पुछू पुछू छूट गया अच्छे से छूट गया देखो गोरी हो गई ना मम्मी दीदी कॉलेज से गोरी हो गई इसको देखो यार रुक जा सनी थोड़ा सा सबर करो छोड़ ना इसको देखो इसका होठ देखो पापा को तो अभी 6:40 हो रहे हैं और मम्मी का बर्थडे बहुत बढ़िया सा बन चुका है और भाई सब खत्म करते हैं अभी 2 मिनट में अभी तो है मत ले जाओ यार मत ले जाओ मम्मी यार सब खा गया पूरे जा रहा है यार दीदी अभी हमारे लिए गोलगप्पे बना रही है हे भगवान भगवान फुला देना इसको ए वाह वाह मम्मी 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 फूल गया देख कितना सुंदर बना देखो इसे भी सुंदर बना रही हो आप कब बनाए मम्मी ओवर एक्टिंग फिर किए ना आप अभी क्या हुआ दीदी क्या हेल्प कर दूँ तेरी मैं चुप रह तू तो जो मम्मी है उनको गोलगप्पे बहुत पसंद है इसीलिए बन रहे स्पेशली वरना आज कोई प्लान नहीं था वैसे इंडियन जुगाड़ सीटी निकालने का यहाँ पे जलजीरा तैयार है वो इमली की चटनी तैयार है और गोलगप्पे आ रहा और छान दे इतने में क्या होगा जी तू थोड़ा ज्यादा नहीं उबाल दिया आलू को थोड़ा ज्यादा एक सीटी और लग जाता तो हलवा बन जाता तो यहाँ पे गोलगप्पे तैयार है मम्मी अपना ले लिए खाने के लिए और सनी यहाँ पे हमारे पुराने ब्लॉग देख के डिफरेंट को याद कर रहा है तो अभी करीब 8:30 बज रहे हैं और हम कपड़ा पहन के रेडी है अपना रामचरितमानस का रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए तो आज होगा पहला दिन जब हम रिकॉर्ड करेंगे रामचरितमानस अपने नए घर से और मैं अभी तक 5 तारा नहीं खाया वाह उस्ताद तो हमारा एक एपिसोड रिकॉर्ड हो चुका है वहाँ पे दीदी अब चेक करिए कि अच्छे से रिकॉर्ड हुआ कि नहीं क्योंकि आज पहला दिन है हमारे यहाँ पे जहाँ पे हम प्रॉपरली रिकॉर्ड कर रहे हैं यार बहुत डिफरेंट की याद आ रही है 26 तारीख को हम दोबारा घर जाएंगे बिजली वाले कुछ सामान लाने के बहाने में डिफरेंट से मिल लूंगा तो अभी रात के 12 बजने वाले हैं हम पूरा दिन का काम खत्म करके आराम से बैठे मैंने कपड़ा भी बदल लिया है अब कहते हैं ब्लॉग का समाप्ति मैंने भी कपड़ा बदल लिया है भाई तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और एक प्यार से कमेंट कर दीजिएगा और जो जो नए आए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिएगा ये तो नोटिफिकेशन ही नहीं भेजता यूट्यूब मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में तब तक के लिए हम दोनों भाई भाई की ओर से खत्म टाटा और बाय बाय यार ये तो बुरा हो गया नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा तो लोग देखेंगे कैसे